अनेक मान्यवरांच्या पावन उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होते. अवघ्या काही क्षणापूर्वी त्यांची उपस्थिती या ठिकाणी लाभली. असे या महाराष्ट्र राज्याचे युवा नेतृत्व सन्मान्य डॉक्टर सुजाता विखे पाटील साहेब यांची उपस्थिती या ठिकाणी आहे. अब्दुल कलाम सेवाभावी संस्थेच्या वतीने आदरणीय दादांचा यथोचित सन्मान सत्कार सोहळा हा आजच्या सामुदायिक युवा सोहळ्याच्या निमित्ताने संपन्न होतो आहे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवाभावी संस्था शिर्डी हो साई नगरी शिर्डीची कपाळी लावून माती साई नगरी शिर्डीची कपाळी लावून माती जनसेवेस्तव झटती है अखंड दिवसा राती असे न झाले असे न होतील यांच्या सारखे सच्चा नेता लोकनेता राधा कृष्ण विखे सच्चा नेता लोकनेता राधा कृष्ण विखे दूसरी बार दादा के सामने मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ. आज यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवाभावी संस्था की जानिब से इज्तिमाई शादी का आयोजन किया हुआ है. यहाँ पर हमारे दादा यहाँ पर आए हुए मैं उनका भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनकी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ स्वागत करता हूँ. जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ने हर जरिया एक जरिया बनाया है. आज 12 शादियां दादा यहाँ पर हो रही है तो 12 शादियां का जरिया अल्लाह ने हमें भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस संस्था को बनाया है. वैसे ही मैं बोलना चाहता हूँ कि दादा और साहब विखे परिवार ये हमारे अल्लाह ने एक जरिया बनाया है उनको भी हमारे लिए. जैसे कि हम जानते हैं दादा यहाँ पर राहता की 3 शादियां है लोनी का 1 है कोपराओं की 2 है सीढ़ी के 3 है सौलर का 1 है. तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमको जरिया बनाया है शादी के लिए वैसा विखे परिवार को भी हमको एक जरिया बनाया है. जैसा मैं पीछे टाइम को ही बोला था जब पब्लिक कम थी तो हमारे कब्रस्तान की जो जमीन है 3 एकड़ वो विखे परिवार के वजह से हमको मिली है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे काम हुए. जनाजा की नमाज के लिए बड़ा शेड है उसके बाद और भी सुशोभीकरण है हर जनरेटर हर चीज दी है दादा ने 4 करोड़ रुपए की यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्डिंग उसको नाम दिया है और बहुत सारे काम है यहाँ पर हम उसका बयान नहीं कर सकते. एक जरिया है विखे परिवार. तो मैं अभी देखो हम यहाँ पर बहुत सारे मेरे माँ बहने हैं मैं उनसे 3 बातें करता हूँ कि कभी हम पानी के लिए आप बाहर दूर तक जा रहे नहीं जा रहे हमको नगर पालिका ने यहाँ पर 24 घंटा पानी दिया है. कभी हम कचरा डालने के लिए दूर जा रहे नहीं जा रहे घर के सामने गाड़ी खड़ी है. हर एक काम यहाँ पर हमको दादा और विखे परिवार ने करके दिया है. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस 20 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन नामदार राधाकृष्ण विखे पाटिल का चेहरा देखकर और 1 नंबर का बटन दबाकर हमको उनको 1 लाख से ज्यादा मतदान कर गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 नंबर का बटन दबाना है. ये प्रचार की सभा नहीं है मैं भी जानता हूँ सिर्फ ये शादियों का है मगर मेरे को आज बोलना जरूरी है. हर शादी में उनका योगदान रहता है. पिछले साल भी मंडप दिए थे हमको ये साल भी दिए. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हर बात में वो अल्लाह ने एक जरिया बनाया है ये जरिया को हम खोना नहीं चाहते. तो आपसे गुजारिश है इस 20 तारीख को सुबह जल्दी उठकर नामदार साहब का चेहरा देखकर वहां पर बटन दबाए. बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद जय भारत. भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवाभावी संस्था
इनकी तरफ से आयोजित आज के इज्तेमाई शादिया के फंक्शन में उपस्थित हुए कैलाश बापू कोते पाटिल, अभय भैया, गोपीनाथ बापू, नितिन जी शेखे, आए हुए तमाम इस शादी में शरीक होने से होने के लिए आए हुए सब उपरगांव, सावरीवीर, लोनी और शिरडी रहाता इस सब परिसर से आए हुए तमाम मेरे भाइयों और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हर साल मेहनत करते हैं, इस एपीजे अब्दुल कलाम संस्था के संस्थापक मेरे मित्र महमूद भाई, इस संस्था के अध्यक्ष दादा भाई नाम का, और सभी उपस्थित हुए मेरे युवा साथी, सबसे पहले मैं आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे थोड़ी देर हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन के माध्यम से मैं सबको जरूर बताना चाहूंगा कि अनेक एनजीओ खुलते हैं और एक साल में बंद हो जाते हैं, लेकिन महमूद भाई के निगरानी के नीचे गई 5 साल से एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन इस इज्तेमाई शादियों का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शन का पूरा नियोजन करते हैं और हर साल आप सबके आशीर्वाद के तहत ये अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा भी थोड़ा बहुत साथ इनको मिल जाता है। इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन आगे काम करते रहे। मैं अपने परिवार की तरफ से और हमारे परिवार के प्रमुख माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब की तरफ से इस कार्यक्रम को मुबारकबाद देता हूं और इस चीज में यकीन रखता हूं कि सब मिलके हमारे शिरडी में एक साथ हर प्रश्नों को सुलझाएंगे और इसी तरीके से हम सब मिलके इसी तरीके के कार्यक्रम हम सालों 10 साल आयोजित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगले साल वापस जब छठा साल हमारा रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन का, तो कम से कम हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, कम से कम 50 शादियां हम इस बार अगले साल इसी बार करेंगे। और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको यह आश्चर्य होता होगा कि ये क्या हो रहा है शिरडी में, तो जब वापस जाओगे तो यार हर जगह पूछ लेना कि ये सुजय विखे और ये सब क्या गड़बड़ है स्टेज पे, ये महमूद और सुजय एक साथ कैसे है, इसका जवाब आपको जाते हुए मिल जाएगा। तो आप सब आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे परिवार पे कायम रखें और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस शिरडी में साईं बाबा की इस पावन भूमि में सबको साथ लेके चलें, सबको एक संग रखें और हर त्योहार में हम इसी तरीके से शरीक होते रहें, यही मैं दुआ करता हूं। फिर से एक बार देरी से आने के लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूं और आने वाले वक्त में सब एक साथ रहकर प्यार से और भाईचारे से हम सब आगे बढ़ेंगे और सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे और सामाजिक उपक्रम इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन को सदैव जीवन भर मेरा साथ इसी तरीके से रहेगा, ये आपके सबके सामने गवाही देता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। युवा सोहळ्याच्या निमित्तानं आलेले सर्व मित्र परिवार, वधूवरांचे सर्व नातेवाईक आणि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवा भावी संस्था यांचे अध्यक्ष माननीय महमूद भाई व त्यांचे सर्व सहकारी आणि या सर्व आपल्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आपले सर्वांचे लाडके खासदार आदरणीय सुजय दादा विखे पाटील साहेब, आदरणीय बापू, आदरणीय नितीन दादा, गणेश व सर्व जमलेले माझे मित्र परिवार व बंधू भगिनींनो, गेल्या अनेक वर्षापासून महमूद भाई व त्यांचे सहकारी या ठिकाणी ही सेवा करण्याचं काम करत आहे आणि याची व्याप्ती वाढत चाललेली आहे। मी या निमित्तानं त्यांना शुभेच्छा देतो आणि असं सेवाभावी काम त्यांच्या हातून घडत राहावं अशी मी परमेश्वरच्याने प्रार्थना करतो आणि आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या निमित्त मी सर्व वधूवरांना शुभेच्छा देतो। थँक्यू, धन्यवाद। सगळ्यांचे युवा नेते, आपल्या सगळ्यांचे आधार स्तंभ पाटील, शेखे पाटील, शेखे पाटील,
दिलीप पाटील पोते त्याचप्रमाणे आमचे मित्र आणि सहकारी मोहित भाई यांच्या प्रेरणेतून सलग 10 वर्षापासून हा कार्यक्रम होतोय. या कार्यक्रमाला चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आपल्या भागातून मिळतोय त्याबद्दल मोहित भाईचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने चाळीस कार्यक्रमाचं त्यांचं स्वागत करा. आणि आज खऱ्या अर्थाने मोहित भाईचं काम या डॉक्टर अब्दुल कलाम सहभागी संस्थेच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर असेल, रोगनिदान शिबिर असेल, समुदाय किंवा सोहळ्याचं नियोजन असेल, अशा सामाजिक संघटनेमध्ये बांधील तुटून एक चांगल्या प्रकारचं उत्तम प्रकारचं काम करण्याचं शिबिरमध्ये एक महबूब बहिणी महत्वाचं योगदान दिलं आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहताना आनंद होत आहे आणि आपल्या मुस्लिम समाजाचे या सोहळ्यामध्ये लग्न होत आहेत याचा विशेष करून आनंद होत आहे आणि महमूद भाईच्या पुढाकाराने आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे याचा विशेष आनंद होत आहे. आपल्या मतदारसंघाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील हे उपस्थित राहणार होते. त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं विखे परिवाराच्या वतीनं सुजय दादा यांना तिथं आशीर्वाद देण्यासाठी पाठवलेला आहे. आपल्या सगळ्यांच्या वतीने सुजय दादांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करावं. साई नगरी शिर्डीची कपाळी लावून माती, साई नगरी शिर्डीची कपाळी लावून माती, जनसेवेस्तव झटती है अखंड दिवसा राती, जनसेवेस्तव झटती अखंड दिवसा राती, असे न झाले असे न होतील यांच्या सारखे, सच्चा नेता लोकनेता राधा कृष्ण विखे. शादी हो रही है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इसलिए कि आज इतना बड़ा मजमा मौजूद है. जो एक आदमी की ख्वाहिश होती है ज्यादा लोग आए, रिश्तेदार आए, बहुत बड़ा मजमा यहाँ नजर आया. ये मैं ये मैसेज दूंगा ऐसे ही इस्तेमाई शादियों में सब निकाह करें, इससे खर्चा बचेगा और खुशी में इजाफा होगा. जितने नेता यहाँ आए हुए वो भी हमें मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. संभ्रमा मधे सूर्यदादा आमच्याला लग्नासाठी आले त्यासाठी पण खूप आनंद होतोय, खूप आनंद आहे. सामूहिक विवाह झाले पाहिजे अशा प्रकारच्या फॅसिलिटीज सरकारने गव्हर्नमेंटने किंवा जे पण काही जे करत असतील त्यांनी काढल्या पाहिजे आणि असे सामूहिक विवाह झाले पाहिजे. मी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवाभावी संस्था शिर्डी यांचा खूप खूप आभारी आहे. कृष्णजी विखे पाटील आणि खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीत साईच्या ग्रुपच्या माध्यमातून रामनगरीचा भव्य प्रोजेक्ट. वैशिष्ट्ये शिर्डी एअरपोर्ट रोड लगत बस स्टॉप, शाळा, बँक 5 मिनिटांच्या अंतरावर, ड्रेनेज व स्ट्रीट लाईट, प्लॉटमध्ये प्रशस्त श्री राम मंदिर, साई समाधी मंदिरापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर, एमएसएबी पोल कनेक्शन, 20 फुटी अंतर्गत रस्ता व दोन्ही कडेने सुशोभित झाडे, रहिवाशांसाठी अनुकूल शिर्डी नांदुर्गे शिवरस्ता लगत साई परिक्रमा मार्गालगत प्लॉट लगत 18 मीटर प्रस्तावित रस्ता, तर त्वरा करा, आजच आपला प्लॉट बुक करा. बुकिंगसाठी संपर्क करा श्री गणेश तोरडमल 99 21 21 95 61, श्री शुभम वेणुनाथ गोंदकर 97 67 06 65.